हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेजर्स टू इलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हो कि जहाँ पर जेंडर को इक्वल नहीं देखा जाता, यानी कि फीमेल्स और मेल्स को इक्वल नहीं देखा जाता। हमारी सोसाइटी में एक तरह से पैट्रियार्की चली आ रही है कि जो मेल्स है वो सुपीरियर है फीमेल्स से, मेन्स जो है वो सुपीरियर है वुमेन्स से। तो यही जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको हम कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आए, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जैसे पैट्रियार्की क्या होता है, मैट्रियार्की क्या होता है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, जैसे वी कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, इंक्रीज द एजुकेशन लेवल, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये सारी चीज़ें हम करें तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसको जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो माइंडसेट ऑफ सोसाइटीज़ को हम कैसे चेंज करें, द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन एज वेल एज टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज़ मे गो ऑन, बट द रियल चेंज विल ओनली कम वैन द मैंटेलिटी ऑफ मैन विल चेंज। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है बहुत सारी टाइप की जो वुमेंस के साथ होती है, हम उसको तभी ख़त्म कर सकते हैं, तभी रियल चेंज आ सकता है जब एक मैन है उसकी मेंटेलिटी को चेंज किया जाए। व्हेन द मेल स्पीशीज ऑफ वुमेन बींग वुड स्टार्ट ट्रीटिंग वुमेन एज इक्वल एंड नॉट सबऑर्डिनेट और वीकर टू देम। जब जो मेल स्पीशीज है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, जो मैन है, जो बॉयज़ हैं, जो मेल जेंडर वाले ह्यूमन बींग्स है, अगर वो अच्छे से ट्रीट करे वुमेन को, इक्वल समझे, अपने बराबर समझे, ये ना समझे कि वो हमारे नीचे काम करने वाला कोई और इंसान है या हमसे वीक है, तब जो है वो रियल चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर, तभी जो ये माइंडसेट है सोसाइटी का चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें इंक्रीज़ द एजुकेशन लेवल, क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बहुत हेल्पफुल है। हम अगर कोई चेंज चाहते हैं सोसाइटी के अंदर या कहीं भी, तो एजुकेशन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एजुकेशन इज़ द वे दैट कैन बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड, एजुकेशन भी हेल्प कर सकती है इस रिगार्ड में। इफ़ वुमेन आर मोर एजुकेटेड दैन दे कैन टैकल दिस, अगर वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड होगी, उन्हें एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी, तो वो इन चीज़ों को टैकल कर सकती है खुद से, वो बड़े बड़े जो पद है उन पर जा सकती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स या जो संसद में बैठते हैं मंत्रीगण, सब में वो शामिल हो सकते हैं। अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो काफ़ी बड़े बड़े पदों पर जाएगी, तब जो है वो एक चेंज ला सकती है खुद ही जब वो उस सिस्टम के अंदर होगी। थर्ड वन पॉइंट अगर हम देखें तो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर दी जाए मैन को भी और वुमेन को भी डिसीजन मेकिंग में भी, जैसे घर में भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो ये घर से स्टार्ट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मैन को भी और वुमेन को भी कि क्या डिसीजन सही होगा और क्या नहीं। इसी तरह स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर अगर इसी तरह हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो काफ़ी चेंज हो सकता है। दे कैन प्रोस्पर देयर लाइफ एंड गो अहेड, इससे जो है वो उनकी लाइफ भी प्रोस्पर होगी और वो आगे बढ़ेंगी। फोर्थ वन इज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करना, इंडिपेंडेंट बनाना, अगर इसको हम सपोर्ट करें जिससे कि वो अपने जो राइट्स हैं उनको इंजॉय कर पाए, एंड जो गैप है बिटवीन वुमेन एंड मैंस एक्सेस टू रिसोर्सेज उसको भी कम किया जा सके, और एंड बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट इज स्टिल आउट ऑफ रीच फॉर मोस्ट वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी वुमेन हैं, लाइक गांव में जो वुमेंस होती है, तो वो इन सब रिसोर्सेज से, इन सब चीज़ों से हमेशा उनकी रीच दूर ही होती है, वो हमेशा इनसे दूर होती है। तो इन ये रिसोर्सेज है, इनका एक्सेस उनके पास हो जाए तो जो वो अपने राइट्स को समझे और इन्जॉय करे फुली, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये गैप जो है मैन वुमेन का रिड्यूस होगा। तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस से क्या होता है कि वायलेंस होता है तो एक प्रकार की वो बन जाती है, छवि बन जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो वुमेन है वो वीक है मैन से हर एक एस्पेक्ट में, चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, कोई भी एस्पेक्ट हो। तो अगर हम ये वायलेंस को स्टॉप करें तो एक वैसे तो एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, वुमेन एसोसिएशन, एनजीओज और इवन गवर्नमेंट, ये सब अगर मिलके इस पर काम करे, कड़े नियम बनाए और इसको अप्लाई करे, तो काफ़ी हद तक हम वायलेंस को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। तो ये फाइव वेज होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो देखिए, ये फाइव वेज इनके थ्रू हम
जो जेंडर इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ये मेजर्स हम अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।